हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मोहक इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 22 एक्सरसाइज 4A से। गिवन है रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 रूट 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको सॉल्व करना है। क्लास 10 RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर का नाम है। इसके पहले फ्रेंड्स हमने कुछ और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस एक्सरसाइज से, जिनका सोल्यूशन या वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 22। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू में रूट 3 इंटू रूट 3, या तो 6 रूट 3 है इंटू रूट 3 कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, 6 इंटू 3, रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, 6 इंटू 3 आ गया 18। अब 18 से फ्रेंड्स हमें इस तरह से ब्रेक करना है दो नंबर्स में कि जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिले, 11। तो बहुत सिंपल है, 9 इंटू 2, 9 टू जो 18 हो जाएगा और 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 11, जो कि हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, दो फैक्टर्स हमें मिल गए हैं यहाँ पे, 9 और 2। तो सबसे पहले क्या आएगा, रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x, 11x को हमने इस तरह से ब्रेक कर लिया, प्लस 6 रूट 3 एज इट इज़ इज इक्वल टू 0। आप कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट टू टर्म में। फ्रेंड्स इस टाइप्स के क्वेश्चन में जो है ब्रेक करना तो इजी हो गया, बट हमें कॉमन लेने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो रूट 3x कॉमन ले सकते हैं, रूट 3x रिमेनिंग क्या आ गया यहाँ पे, तो x आ गया प्लस। अब 9 में से हमने रूट 3 ले लिया, तो रिमेनिंग क्या बचा वो हमें देखना है। रफ करके इस तरह से हम दे सकते हैं, 9 क्या है, 3 इंटू 3 है, और 3 क्या है, रूट 3 इंटू रूट 3 है। ठीक है, इसमें से हमने एक रूट 3 हटा दिया, तो रिमेनिंग क्या बचा, 3 रूट 3। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स, बहुत इजी है, इस तरह से हम साइड में करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या आ गया, 3 रूट 3। फिर प्लस लास्ट टू टर्म से कॉमन क्या ले लेंगे, 2, रिमेनिंग क्या आ गया, x प्लस, सेम यहाँ पे भी आएगा 3 रूट 3, बट एक बार हम लोग करके देख सकते हैं, 6 में से हमने 2 बाहर निकाल लिया, रिमेनिंग क्या आ गया, 3, और रूट 3 पहले से ही है, तो 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0। अगेन पूरी इक्वेशन में कॉमन क्या है, x प्लस 3 रूट 3। ठीक है, रिमेनिंग क्या हो गया, रूट 3 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो ईजी है, इसके बाद से फ्रेंड्स कोई टफ नहीं है, ईजी ही है आगे भी। केस वन, दो केस हो जाएंगे, जब ये पूरा टर्म राइट साइड में आके 0 हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा, x प्लस 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस में 3 रूट 3। ठीक है, और सेकेंड केस में फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब x प्लस 3 रूट 3 ये पूरा राइट में आके 0 हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा यहाँ पे, रूट 3 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ गया, रूट 3 एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, और x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में रूट 3, ये हो जाएगा फ्रेंड्स x की सेकेंड वैल्यू। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 22। इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, आप जब तक यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर जो है माइनस 3 रूट 3 एंड माइनस 2 अपॉन में रूट 3। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने आंसर भी चेक कर लिया है। सो थैंक यू अगेन फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्प हुई हो आपको इस वीडियो के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करने में, समझने में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करिएगा। कोई डाउट्स हैं, कोई अदर क्वेश्चन है उसका वीडियो सोल्यूशन आपको चाहिए, कमेंट कर सकते हैं आप। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देखिएगा।